मध्य प्रदेश के राज्यपाल और लखनऊ से पूर्व सांसद लालजी टंडन का निधन हो गया। लखनऊ के मेदांता में 85 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली। पिछले काफी वक्त से गंभीर रूप से बीमार चल रहे थे। लखनऊ के मेदांता में 14 जून को भर्ती हुए थे। ज्यादातर समय वो वेंटिलेटर पर ही रहते थे। लालजी टंडन के निधन की जानकारी उनके बेटे और कैबिनेट मंत्री आशुतोष टंडन ने सोशल मीडिया के जरिए दी। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, बाबूजी नहीं रहे। लालजी टंडन की गिनती भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेताओं में रही। मध्य प्रदेश से पहले वो बिहार के राज्यपाल की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। 2009 में उन्होंने रीता बहुगुणा जोशी को लखनऊ सीट से हराया था। बताया जा रहा है कि देर रात लालजी टंडन की हालत बिगड़ गई थी और उन्हें गंभीर हालत में वेंटिलेटर पर रखा गया था। न्यूज डेस्क।